इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D को किसी की बहुत ही बुरी नजर लग चुकी है, क्योंकि हमारी सिटी में थैनोस आ चुका है और स्पाइडरमैन यहां पे जुरासिक पार्क में जाके आराम से सो रहा है। बेचारे स्पाइडरमैन को पता भी नहीं है कि थैनोस ने सिटी में आके तबाही मचाई हुई है और हमारी पूरी सिटी को बर्बाद कर रहा है। थैनोस ये सब क्यों कर रहा है ये पता तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थैनोस पुलिस स्टेशन उठा के ले जा रहा है और यहाँ पे थैनोस देखो कैसे दिखा रहा है अपना जलवा। ओ थैनोस भाई, गाइस काफी ज्यादा दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ वापस से अपने सिटी में। वैसे मेरे स्कूल का एग्जाम था, उसके बाद छुट्टी आ गई थी, तो इसलिए मैं गांव गया था छुट्टियां मनाने के लिए। बट अभी मैं ट्रेन से उतर चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड मेरी जेब हल्की हल्की क्यों लग रही है? अरे मेरा पॉकेट किधर है? अरे भाई मेरा पॉकेट किधर है? एक सेकंड, नहीं मुझे लग रहा है ट्रेन में किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया। ओ गाइस मेरा पॉकेट चोरी हो चुका है। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतने ज्यादा चोर लोग भरे हैं ट्रेन में। बट अभी यहाँ पे मुझे एक बाइक मिली है और वैसे मैं चोर तो नहीं हूँ, ये बाइक तो हायाबुसा मेरी लग रही है मुझे। वैसे मेरे पॉकेट में 10,000 रुपये थे, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। लेकिन गाइस तब तक आप अगर इंडियन हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इंडियन ही हो तो जल्दी से कमेंट में जाके जय हिंद लिख दो। और गाइस आपकी सिटी का नाम क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको लिखते आता है तो। गाइस मैं पुलिस कंप्लेन करने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पर्स जिसने चोरी किया है वो किसी और का भी कर सकते हैं, और वैसे भी पुलिस कुछ ना कुछ करके उनको पकड़ ही लेगी। अरे यार ये पुलिस स्टेशन कहाँ गायब हो गया? इसी जगह पे तो था पुलिस स्टेशन, बिल्कुल मेरे घर के सामने। यहाँ पे पुलिस वाले मरे पड़े है, मर गए है कि जिंदा है मुझे चेक करना पड़ेगा। कुछ तो जिंदा लग रहे है, उनको उठाता हूँ। यार यहाँ से पुलिस स्टेशन कहाँ जा सकता है? ऐसा क्या हो गया कि पुलिस स्टेशन ही गायब हो गया? मदद करो, मदद करो, मैं बताता हूँ पुलिस स्टेशन किधर है, बताओ, बचाओ, बचाओ लो। अरे सर पुलिस स्टेशन किधर है और आप जमीन पे क्यों लेटे हो? पानी दो, पानी। अरे भाई पहले मेरे सवाल का जवाब दो यार। ठीक है बताता हूँ, अचानक से थैनोस आया और हमारा पुलिस स्टेशन उठा के ले गया। अबे यार ये क्या मजाक है, माना कि तुम मर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि झूठ बोलोगे, जल्दी से सच सच बताओ मुझे। अरे बेवकूफ आदमी यही सच है, थैनोस आया था और पुलिस स्टेशन उठा के ले गया। क्या बात कर रहे हो, अगर ये सच है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कौन बचाएगा सिटी को? अभी तो हमारी सिटी में सिर्फ एक ही सुपर हीरो है और वो है स्पाइडरमैन। वो जुरासिक पार्क में जाके आराम कर रहा है, जाओ तुम उसको बुला के लाओ। गाइस मुझे नहीं पता पुलिस वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, मुझे कमेंट में बताओ यस और नो। वैसे ये सब सुनने के बाद हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर थैनोस सचमुच में पुलिस स्टेशन ले जा चुका है तो वो दिख भी रहा है कि पुलिस स्टेशन उसकी जगह पर नहीं है, और हमारा स्पाइडरमैन जंगल में जाके जुरासिक पार्क में जाके जानवरों के बीच आराम कर रहा है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इतना ज्यादा आराम से कौन सोता है भाई। लेकिन हमें फटाफट से जुरासिक पार्क जाना ही पड़ेगा और आलसी स्पाइडरमैन को उठाकर ये सब बताना होगा, और कैसे भी करके थैनोस को हरा के हमें अपना पुलिस स्टेशन वापस चाहिए, और थैनोस को इस सिटी से भगाना भी पड़ेगा वरना थैनोस तो इस सिटी को बर्बाद भी कर सकता है। और अभी कोई भी ऐसा सुपर हीरो हमारी सिटी में नहीं है जो थैनोस को हरा सके स्पाइडरमैन के अलावा। अगर यहाँ पे एवेंजर्स होते तो थैनोस की ये हिम्मत नहीं होती, लेकिन अभी एवेंजर्स भी हमारी सिटी के अंदर है नहीं। मैं अभी आ चुका हूँ अपने जुरासिक पार्क के पास, एंड ये घेंडा भाई बहुत बीच में आ रहा है। अबे इंसान देख के नहीं चल सकता, जुरासिक पार्क है, बाप का रोड थोड़ी है इधर। अबे देख वैसे तो तू घेंडा है लेकिन तूने मुझे जाहिल आदमी बोला है तो मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ सकता, तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं था, तो ले अब तू गया। गाइस तो चलो अब सीधा हम जुरासिक पार्क में चलते हैं। वैसे काफी ज्यादा इधर एनिमल्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें एनिमल्स से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ स्पाइडरमैन को ढूंढना है। हे गाइस आप लोगों ने कहीं स्पाइडरमैन को देखा है क्या? अबे वो जिराफ, अरे जल्दी बताओ यार, मैं तुम लोगों को धक्का मार के ले जा रहा हूँ। देखा गाइस मैंने जिराफ को और हाथी को अपनी बाइक से धक्का मारा। वैसे मेरे सामने एक डायनासोर दिख रहा है और यहाँ पे लायन भी निकला मेरे सामने से, इसको मार देना ही अच्छा है वरना ये मुझे मार देगा। गाइस यहाँ पे एलिफेंट है हमारे सामने, एलिफेंट भाई साहब आपने स्पाइडरमैन को देखा है क्या? नहीं। गाइस मैं कब से स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अब जाके वो मिला है, कितना आराम से सो रहा है जुरासिक पार्क के बीचों बीच। अरे स्पाइडर सर उठ जाइए प्लीज, हमारी सिटी मुसीबत में है यार, ये सोने का टाइम नहीं है।
अरे सोने भी नहीं देती यार, क्या दिक्कत है तुमको, क्यों मेरे को जगाया, इतना आराम से तो मैं सो रहा था। हाँ भाई बताओ मुझे, ऐसा क्या है तुमको प्रॉब्लम कि मुझे जगाना पड़ा। अरे स्पाइडरमैन थेनोस आया और पुलिस स्टेशन उठा के ले गया है और पुलिस वालों को भी कूट दिया। अरे यार ये थेनोस बिना अभी कोई एवेंजर सिटी में है नहीं, मैं इतना अच्छे से आराम कर रहा था और डिस्टर्ब करने आ चुका है, अभी मैं थेनोस से लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे अब क्या करेंगे, उसको कैसे भगाएंगे। अरे भगाना भगाना नहीं है यार, बस वो अपनी मणि लेने आया है, उसको अपनी डायमंड मणि दे दो, वो अपने आप ही उसको लेके चला जाएगा। अरे लेकिन मैं कहाँ से दूँ, मुझे थोड़ी पता है कहाँ है मणि। अरे अपने सिटी की सबसे हार्ड मिशन को कंप्लीट करेगा ना तो तुझे वो मणि मिल जाएगी, फिर वो मणि लेके तू दे दे यार थेनोस को, और थेनोस को भगा इधर से। वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन को डर लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई उससे ये तो पता चल चुका है कि थेनोस ऐसे के ऐसे इस वाली में नहीं आया, थेनोस को ये वाली मणि चाहिए, ये जो डायमंड मणि है इसको थेनोस मणि भी कहते हैं, अगर ये मिल गई थेनोस को तो थेनोस इसको लेके चला जाएगा, और ये मणि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थेनोस के लिए क्योंकि इससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उससे मेरा क्या फायदा। गाइस तो अब हम सीधा जाके इस सिटी का सबसे मुश्किल टास्क को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो मिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं आपको वो मिशन दिखाऊंगा नहीं, फटाफट से वो वाला सीन कट करके आपको सीधा डायमंड मणि के पास ले चलता हूँ। सो फाइनली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इस सिटी का हार्डेस्ट मिशन स्टार्ट हो चुका है, एंड फटाफट से इस वाले मिशन को कंप्लीट करते है। गाइस तो 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद मैंने इस वाले मिशन को कंप्लीट कर लिया है, और जैसे मैं इस चीज को पार करूंगा मैं सीधा पहुंच जाऊंगा डायमंड मणि के पास। आखिरकार मुझे ये मणि मिल ही चुकी है, अब इसको ले जाके मैं दे दूंगा थेनोस को। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल मणि है ये, मतलब मेरी साइज के बराबर है, ये बहुत ही ज्यादा पावर है इसमें, अगर ये थेनोस को मिल गई तो थेनोस और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बट हमें सिटी को बचाना है तो इसे देना ही पड़ेगा, वरना थेनोस सिटी की धज्जियां उड़ा देगा। वैसे देखा जाए तो अभी थेनोस मुझे कहीं दिख नहीं रहा, वो कहाँ है ढूंढना तो पड़ेगा। अरे यार थेनोस तो पागल हो चुका है, पूरी सिटी को बर्बाद कर रहा है, पूरी सिटी की बिल्डिंग्स को वो तोड़ रहा है, कितना ज्यादा गुस्से में है। हमें जल्द से जल्द इसको उसकी मणि देनी पड़ेगी, वरना ये कुछ भी कर सकता है। अभी भी अपनी सिटी बची है थोड़ी बहुत, अगर नहीं दी तो ये मेरी सिटी को खत्म कर देगा, और ये कौन सा मैजिक कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे सीधा थेनोस के आमने सामने बैठ के बात करनी पड़ेगी, मुझे थेनोस के पास जाके उससे बताना पड़ेगा कि तू तेरी मणि ले ले और यहाँ से निकल जा। वैसे मेरे पास जेट पैक है तो मैं जेट पैक लेके उसके सामने जा सकता हूँ। यही कहीं तो था, कहाँ गया। गाइस तो ये रहा, एंड में आ चुका हूँ इस वाली बिल्डिंग पे। अरे थेनोस भाई तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे देता हूँ, लेकिन हमारी सिटी से प्लीज चले जाओ। खत्म कर दूंगा सब कुछ, खत्म कर दूंगा। गाइस मुझे लगता है कि थेनोस को मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे ओ थेनोस भाई जरा इधर तो आओ। अरे सुनो आपको जो भी चाहिए वो मेरे पास है, मेरे पास है, मैं स्पाइडरमैन और एवेंजर से चुरा के लाया हूँ वो डायमंड मणि, मैं आपको दे देता हूँ, आप इस वाली सिटी से चले जाओ प्लीज, और कभी मत आना दोबारा। मुझे अच्छा इंसान लगता है इसलिए इस बार मैं मणि लेके चला जाता हूँ, मुझे मणि दे दे बाकी कुछ नहीं चाहिए, इस बार तो मैं चला जाता हूँ, अगली बार का वैसे ट्रस्ट मत कर मेरे पे, अगली बार का मैं भूल नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं अभी तो चलो निकलो, अभी तो चले जाओ।